नमस्कार दोस्तों, बोल स्काई में आपका स्वागत है। आमतौर पर चंद्र ग्रहण की पीड़ा से बचने के लिए मोती रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। मोती के अलावा एक ऐसा शक्तिशाली रत्न है जो चंद्रमा की अशुभता दूर करने के साथ हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मून स्टोन की। आपको बता दें कि चंद्रमा मन का कारक है। कुंडली में चंद्रमा दूषित हो तो मानसिक तनाव के साथ आत्मबल की कमी होने लगती है, माँ के साथ संबंध खराब होते हैं, वैवाहिक जीवन में अशांति का माहौल रहता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्रमा की अशुभता से बचने के लिए चंद्रमणि रत्न पहनना बहुत शुभ फलदायी माना गया है। अब आपको बताते हैं कि चंद्रमणि रत्न पहनने के क्या फायदे हैं। चंद्रमणि को मून स्टोन भी कहा जाता है। ये चंद्रमा का उपरत्न है। इसे पहनने वाले का मानसिक संतुलन ठीक रहता है, मानसिक तनाव और बेचैनी दूर होती है। ये व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता में इजाफा करता है। मून स्टोन के प्रभाव से व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है और वो दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझ पाता है, जिसकी वजह से वो हर क्षेत्र में सफलता पाता है। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि किसे पहनना चाहिए ये चंद्रमणि। तो आपको बता दें कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, ऐसे में इस राशि के लोग बिना सोचे मून स्टोन धारण कर सकते हैं। वहीं जो लोक कला के क्षेत्र में बेहतर करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इससे फायदे देखने को मिलते हैं। ये आपके अंदर छिपी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने में मदद करता है। अब आपको बताते हैं कि इसे कैसे पहनना है। मूनस्टोन बहुत पॉजिटिव रत्न है, जिसे पहनने से व्यक्ति के पास कोई नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी नहीं भटकती। इसे धारण करने से पहले गंगा जल और गाय के दूध से शुद्ध करें और फिर शिव जी को अर्पित करें। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि किस दिन पहनना है ये मूनस्टोन। मूनस्टोन को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात अपने हाथों की सबसे छोटी उंगली में पहन सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भी इसे पहना जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।